एयरपोर्ट के शुभारंभ पर कांग्रेस नेताओं ने जताया हर्ष का सचिन पायलट का सपना हुआ साकार। एयरपोर्ट की जमीन के अधिग्रहण से लेकर बन्नर तक की रही पायलट की बड़ी भूमिका। उपचुनाव से पहले बौखला गई है वसुंधरा राजे और भाजपा। आनंद फानन में किया गया एयरपोर्ट का उद्घाटन। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा द्वारा किशनगढ़ एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अजमेर जिले के पूर्व सांसद और प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट इस एयरपोर्ट के श्रेय के असली हकदार हैं। भाजपा और मुख्यमंत्री लोकसभा उपचुनाव से पहले अजमेर जिले की जनता को गुमराह करना चाहती है। एयरपोर्ट की जमीन के अधिग्रहण से लेकर एयरपोर्ट के बनने तक सारे काम खुद सचिन पायलट ने भाग दौड़ कर पूरे कराए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एयरपोर्ट की आधारशिला रखी थी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा के नेताओं को थोड़ी नैतिकता रखनी चाहिए थी। जिस व्यक्ति ने एयरपोर्ट का तोहफा अजमेर के लोगों को दिया, भाजपा ने उन्हें इस खास मौके पर भुला दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आनंद फानन में हुए एयरपोर्ट के उद्घाटन से भाजपा और वसुंधरा राजे की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। आज एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। माननीय अजमेर के पूर्व सांसद राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट साहब का एक सपना था कि अजमेर को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा देना उन्होंने अपने मन में ठानी थी, जिस सपने को आज पूरा हुआ। तो हम सभी कांग्रेसजनों में बहुत हर्ष है कि सचिन पायलट साहब ने जिस सपने को सोचा और यहाँ की जनता को एक सौगात दी, एयरपोर्ट यहाँ पर बनाया। आज हम इन्होंने जिस तरह वसुंधरा सर ने यहाँ आके एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, आनंद फानन में उद्घाटन किया, कल शाम तक का कोई कार्यक्रम नहीं था कि एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। ऐसी क्या स्थिति बनी कि रात में इन्होंने तय कर लिया और आज दोपहर में जो है उसका इन्होंने जो है उद्घाटन भी कर दिया। अजमेर की जनता को जब इन्होंने इतने दिन से बोल रहे थे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से समय लेके हम इसका कार्य करेंगे, तो ऐसी क्या स्थिति थी? ज़रूर इस पर उनको ये डर था कि इसकी जो छाप जो है सचिन पायलट साहब की है तो उसको किसी भी तरह मैं धुला दूँ तो वो नहीं धुल सकती है, क्योंकि आज हमारा एक विरोध जो है इसमें यह है कि जिस सचिन पायलट साहब ने इसकी ज़मीन के अधिग्रहण से लेकर और इसके आखिरी चरम तक के कार्य में पूर्ण उनकी भूमिका रही और योगदान रहा, तो उनको इसमें अगर उनको अतिथि के तौर पर उनको बुला के उनको सम्मान देते, उनका सम्मान करते, तो हम निश्चित तौर पर इस चीज़ से प्रसन्न होते। इन्होंने राजनीति का बहुत नीचे स्तर पर राजनीति करते हुए ये कहा कि कांग्रेस ने तो खाली यहाँ जो है कीले ठोकी हैं, पत्थर टांगे हैं और ये सारा कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो इसकी बहुत मैं घोर शब्दों में निंदा करता हूँ कि इन्होंने यहाँ ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। कार्य किया है जो यहाँ माननीय सचिन पायलट साहब ने किया है, कांग्रेस ने किया है, और हमारे यहाँ पे जिस तरह अजमेर के अंदर वसुंधरा सरकार उपचुनाव को लेकर यहाँ चिंतित है और उपचुनाव को लेकर समय समय पे मतलब इतनी जल्दी जल्दी अपने यहाँ जो है कार्यक्रम दे रही है, तो उससे भी ये मालूम पड़ता है उनकी बौखलाहट नज़र आती है कि वो निश्चित तौर पे मान चुके हैं कि अब हमारी जो है यहाँ से सीट खिसक चुकी है और यहाँ से अब हमारी सत्ता जाने की तैयारी हो चुकी है। उसके लिए झूठ झूठ करके और बरगला के लोगों को इस तरह गुमराह कर रहे हैं। आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी थी, उस टाइम भी ये था कि बिना एयरपोर्ट के सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है किसी भी कीमत पे सक्सेस नहीं होगी और यहाँ नहीं बन सकती है। सचिन पायलट साहब ने उसी वक्त कह दिया था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो मैं बना ही रहा हूँ और एयरपोर्ट भी अजमेर को दूंगा, और एयरपोर्ट भी सचिन पायलट साहब ने अजमेर को दिया। तो इस चीज़ से भी आप बिल्कुल ये मापदंड तय कर लें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के टाइम में जब सचिन पायलट साहब ने उसको हाँ बोल दी तो कितने कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने इस कार्य को करने में अपनी सफलता भी हासिल की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय सचिन पायलट साहब का कि उन्होंने अजमेर को ये सौगात दी, क्योंकि अजमेर में 5-5 बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी का लगातार जो सांसद रहा उसके बावजूद वो यही कहता रहा कि मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरी चलती नहीं है। तो मैं सचिन पायलट साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।